Obviously, that's the whole point. Assalamualaikum everyone, कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? Sorry, बीच में transmission बार बार कट रही है दोनों videos के part. अब बार बार वो repeat नहीं करूंगा. ये basically सारा जो यहाँ पर setup लगा हुआ है ये UK में है और UK के अंदर हमने जो setup ये लगाया है Ethereum mining का, ये मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ. यहाँ क्यों लगाया है मैंने और वहाँ क्यों नहीं लगाया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली बहुत जाती है, बिजली के बहुत मसले मसाले होते हैं. ये ग्राफिक कार्ड जो है आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं. 6 ग्राफिक कार्ड्स के साथ अगर आप ये लगाते हैं तो समझे 3 लाख रुपए का एक सेटअप है. 3 लाख रुपए का एक सेटअप जो है ये आपको 60,000 रुपये बना के देगा. ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ. जितने लोग शेयर कर सकते हैं ट्रांसमिशन को शेयर करें, एजुकेशनल वीडियो को ज़्यादा शेयर करें उतना ज़्यादा अच्छा है. यहाँ पर जितने भी सेटअप लगाया है हमने, इतने अरसे की जो मेहनत है, जितने अरसे से समझा रहा हूँ मैं आपको, वो इसलिए है कि जो मेरी ट्रैवलिंग है, जो मेरी हर चीज़ है, वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से हो रही है. इतने अरसे से मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये जो सेटअप है ये बहुत अरसे पाकिस्तान में लगाने की कोशिश की लेकिन बहुत बिजली खाता था. यूके में फाइनली हमने एक जगह लगा दी. और इससे आप जितने भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी लेना चाहें, कुछ भी लेना चाहें, आप हमारे थ्रू ले सकते हैं. बिल्कुल इसमें आसान है. वकार भाई एक्सप्लेन हाउ कुड बी गेट बेनिफिट. अच्छा मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, जरा इस ट्रांसमिशन में शेयर कर रहे हैं ताकि हम लोग आपको बता सकें कि ये बेसिकली है क्या, क्यों इतना पैसा लगाया गया है, क्यों. मतलब देखना ये एक सेटअप जो है ये 3.5 लाख रुपये का, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5 अभी 5 है. इससे हुआ क्या, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए का सेटअप है. 60,000 रुपये महीने जेब में आपके आएंगे डायरेक्ट, ठीक है. एक से ये दूसरा 60, अब ये देखिए 60,000 120 के बाद 180, उसके बाद आप कर लें जी 224 और फिर कर लें 3, तो 3 लाख रुपए ये महीने के बना के दे रहे हैं आपको. सईद अब्बास जाफरी कह रहे हैं व्हाट इज़ ओपिनियन अबाउट वन कॉइन व्हेन इट विल. वन कॉइन एक और अलग चीज़ है. जितने लोग ट्रांसमिशन शेयर करते जाएं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि एजुकेशनल चीज़ पाकिस्तान में कभी शेयर नहीं की जाती और छोटी चीज़ें वो शेयर कर दी जाती हैं. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप जब भी देखेंगे ये पूरा सेटअप जो है यूके में क्यों लगाया गया, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं ना उस सेटअप अगर मैं वहाँ लगाता पाकिस्तान में तो बिजली एक सेटअप जो है. तो बेसिकली ये जो है ना ये सेटअप जो है ये बेसिकली बिजली पाकिस्तान में खाएगा 25,000 रुपये की, यहाँ पर यूके में कोई नहीं. तो अगर आप भी सेटअप लगाना चाहते हैं तो ये आपका रिटायरमेंट प्लान है, ये आपको मिलियनेयर बनाएगा. ये वन कॉइन नहीं है भाई, इथेरियम की बात हो रही है. मेरा अपना फार्म जो है पूरा लग रहा है. इसी तरह के और भी माइनर आ रहे हैं. जितने लोग हैं इस ट्रांसमिशन को इसलिए नहीं शेयर करें कि जी ये कोई मज़े की बात नहीं हो रही, इसलिए शेयर करो मेरे भाई कि एजुकेशनल बात हो रही है. बकरा ईद पर मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है कि आप लोग जितने खरीदना चाहते हैं आप यहाँ से खरीद सकते हैं. और बेसिकली ये पूरी टीम है मुनीर की और सैम की, और ये लोग पीछे देखेंगे, मैं तो मार्केटिंग करने वाला बंदा हूँ सिर्फ. तो ये बेसिकली यहाँ का जो असल समझने की वो ये है कि आप चाहे लाइट कॉइन लेना चाहते हैं, आप बिटकॉइन लेना चाहते हैं, आप कोई भी कॉइन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं. आप इनबॉक्स करें, इनबॉक्स करने के बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा. अगर तो आप डायरेक्टली पैसे यूके में भेज सकते हैं ना, बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली इफ यू कैन सेंड मनी डायरेक्टली टू यूके अकाउंट दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि अगर पाकिस्तान में भेजेंगे तो टाइम लगेगा. इफ यू सेंड इन यूके बैंक अकाउंट यू विल गेट कॉइन लाइक दिस. एनीवन आपने मुझे ये बताना है कि किस किस के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो यूके के अकाउंट में, मेरे यूके के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. तो यूके के अकाउंट में है ना, यूके के अकाउंट में डायरेक्ट आ जाए तो आ जाए. तो बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है. एंड अगर इवन इफ दे कांट डू इट, इवन इफ यू कांट डू इट, यू कैन स्टिल डू इट इन पाकिस्तानी करेंसी. एंड आपको जिसमें सूटेबल लगे आप उस करेंसी में पे करें. वी विल गेट योर बिटकॉइंस बैक टू यू. बिटकॉइन और इथेरियम, वी कैन गेट एनी कॉइन, राइट? कॉइन डैश, एनीथिंग यू लाइक. So you have a Litecoin miner and a Dashcoin miner coming up too. Please explain about that. What is the difference between this and that? Yeah, so different miners use different algorithms to basically solve and find coins. So each different miner is designed to mine a different coin. So Dash has its own X11 algorithm. Litecoin uses a different, which is called Script, and it uses a different mining algorithm. And every single miner can pull in coins for us that we can provide to you. Yeah. Simple transaction. We can provide you coins which are going to change your life in Pakistan. Yeah. We're all changing our lives. We're buying them here because we're allowed. We can get them to you as well, so everyone can enjoy it. And what you need to do, what all of you need to do, is get your bitcoins
and keep them safe for next 5 years, 10 years, how long ever you want, yeah? Because this is the next big thing. What is your prediction about Dash? Like, which are your top three coins that you said, yeah, these? Yeah, for me, Dash is going to be amazing. Litecoin is, as you can see in the last week, it's gone up 25%. It's gone up to $60, $65. I mean, it's insane. Ethereum is now nearly $400 a coin. It's gone up from $180 a month ago. And Bitcoin, of course, is right Bitcoin now. It's the massive market. $5,000 Bitcoin. In a couple of years, it's $10,000. It's $50,000, maybe $100,000 one day. Even, you know, big celebrities in the UK, you know, Bill Gates has even said $100,000, even maybe $1 million a coin one day. So yeah, it's early, you know, it's early days. You're going to change your life. Yeah. So. That is very important. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि किसी को इस चीज़ का पता नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जिस तरह की माइनिंग मशीन लगा दी गई जिससे आप कॉइन माइन होते हैं, इसको आप अपने पास अगर लेना चाहते हैं, अगर यूके जितने भी लेना है वो आपने जो भी क्वांटिटी लेनी है, जैसे गोल्ड होता है, अब गोल्ड जो है आप समझ लें अगर 50,000 तोला है तो आप क्या करते हैं कि आप ले सकते हैं उसके 50,000 का भी ले सकते हैं, 500 रुपए का भी ले सकते हैं, इस तरह कोई भी कॉइन आपने लेना है अगर उसकी प्राइस चल रही है, जैसे 500,000 का एक बिटकॉइन है तो उसमें 500,000 का अगर बिटकॉइन है तो आपने क्या करना है उसमें बेसिकली कि आप 10,000 का भी ले सकते हैं. हाइपोथेटिकल अजम्पशन, आर यू फकिंग किडिंग मी, क्या हो गया. मैंने अभी तक जितनी ट्रैवलिंग की है, मैं कह रहे आई एम बेस्ड इन लंदन वेयर आई कैन कॉन्टेक्ट यू दिस गाय. इनबॉक्स करें, आप इनबॉक्स करें, आप उन्हें जिसने भी लेना अपना व्हाट्सएप मुझे इनबॉक्स करें, व्हाट्सएप यहीं फेसबुक पे इनबॉक्स कर दें, आपको खुद हम रब्ता करेंगे. जो लोग लंदन में रहते हैं, पाकिस्तान से जरा पैसे लेना है, दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, आपको कोई भी कॉइन चाहिए आप हमारे थ्रू ले सकते हैं, बिल्कुल इथेरियम, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, जो भी है. और इसकी सारी एजुकेशन भी हम आपको देंगे, ये नहीं आपको सिर्फ कहेंगे कि भाई आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं, आपको कोई भी कॉइन चाहिए आप सिर्फ इनबॉक्स मुझे कीजिए या स्नैपचैट पे मुझे कीजिए, या मैं आपको ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, waqarzaka86@gmail.com. ये सेटअप है पाकिस्तान में बेस्ट इसलिए यूज करने के लिए क्योंकि भाई जहाँ इधर उधर पैसे जाया कर रहे हैं वो होगा. यह मैंने जो है पूरी बड़ी मेहनत के बाद, बड़ा टाइम लगाने के बाद ये किया है, और सोल्यूशन पहले मैंने पाकिस्तान में भी लगाया था लेकिन पाकिस्तान में हो नहीं रहा था. तो भाई बकरा ईद की मेरी तरफ से तो आपके लिए गिफ्ट ये है कि जिसने भी कोई भी कॉइन लेना है, किसी तरह लेना, आप ईमेल करें मुझे waqarzaka86@gmail.com, अपना व्हाट्सएप नंबर, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं आपको यूं कॉइन हम भेजेंगे. बिल्कुल मोहम्मद उस्मान, आप अपने waqarzaka86@gmail.com, waqarzaka86@gmail.com, बिल्कुल आप ले सकते हैं कॉइन. और ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखें ये बहुत जरूरी, किस किस को क्रिप्टो करेंसी की, मैं पागल हूँ यूके में आके ये सेटअप लगा रहा हूँ, मैं आपको पागल नजर आ रहा हूँ, मैं आपको क्यों गाइड कर रहा हूँ, खुद भी ये सेटअप लगा सकते हैं. जरूर कह रहे भाई लियो कॉइन भी है आपके पास, नहीं मैंने लियो कॉइन नहीं लिया, कॉज कह रहे हैं फ्री सॉफ्टवेयर दो सबको प्लीज, अगर एग्जाम्पल देनी है सॉफ्टवेयर, यू नीड हार्डवेयर टू ब्रदर, इट्स नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर. यहाँ पर एक छोटा सा जी बिल्कुल कॉइन कैप्स ले सकते हैं, जिसने भी लेना है वो waqarzaka86@gmail.com पर ईमेल करें, अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें, हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, आप दुनिया में कहीं रहते हैं आपको 2 मिनट में भेज जाएंगे. लेकिन अगर आप यूके अकाउंट में भेजेंगे तो, पाकिस्तान में रहते हैं तो बड़ा जरा लंबा चक्कर है. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से आगे फिर मैं आपको बताता हूँ ये चक्कर है क्या सर. और जिसके बाद माइनर का भी बता देता ना, अगर और जितने लोग अगर यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अगर आप माइनर्स लगाना चाहते हैं जिस तरह हमने ये लगाए हुए हैं, तो ये तो आपके लिए बेहतरीन चीज हो जाएगी. जिसने माइनर खरीदना है वो भी खरीद सकता है. हाउ मच इज द लाइट कॉइन माइनर इन योर ओपिनियन एंड डैश कॉइन माइनर? इट्स हार्ड टू से, आई डोंट नो व्हाट. Around 5k each. Yeah, 5,000. Yeah, about 5,000. Yep. I mean, you try and get a Litecoin miner today, it's near impossible. You know, it's people are charging insane amounts of money. Having them in hand is just, you know, you can't get hold of them for anything. So. But this is the guy. If you live in UK, you can call him. He will set up everything for you. He will set up the hardware, software. He's the genius. Deliver them, bring them around, build them, easy. Yeah. He will make your own coins. Yeah, make your own coins. And the best part is that, bhai, ye time wo aa gaya. Der to nahi ho rahi na? No. तो मैं क्या, सबसे जो बेस्ट बात ये है कि ये लगाने का मकसद क्या है कि अगर आप यूके में रहते हैं तो आप ये सेटअप अपने घर पे लगा सकते हैं, और सब कुछ सैम जो है ये आपको गाइड कर देगा, सारा कुछ बता देगा, सॉफ्टवेयर समझा देगा. ये वो चीज़ है जो बेस्ट रिटायरमेंट प्लान है. आपने एक मशीन लगाई 3,00,000-3,50,000 रुपये की अपने घर पर, ठीक है, उसके बाद वो आपको $600 जो है इथेरियम जो है बना के देता है हर महीने.
तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें ये हमें आपको इसलिए नहीं बता रहे कि हमारे थ्रू ही खरीदें, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी समझाई नहीं जाती। मेरा मकसद ये कि हम आपको टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं, बाकी जगह खुद खरीद लो, नहीं समझ आ रहा तो हमें बताओ, हम आपको लेके देते हैं। दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपने कोई भी कॉइन लेना है, कुछ भी लेना है, आप बिल्कुल जो है आप बिल्कुल हमारे थ्रू ले सकते हैं। उसके लिए आपने waqarzaka86@gmail.com पर ईमेल करनी है कि कौन सा कॉइन खरीदना है और कितने पैसों का खरीदना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक एप्लीकेशन है कॉइन कैप, CoinCap, कॉइन कैप, उस पर सारे कॉइन्स आ रहे होते हैं। ये इसी तरह है भाई, देखें जैसे पोस्ट ऑफिस था ना पहले, पोस्ट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन वॉलेट का हर चीज़ का साजिद पाकिस्तान में नहीं है, आपका वॉलेट में आएगा, हर जगह आएगा यार। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इलीगल नहीं है FIA के थ्रू, इलीगल ये है कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग हर तरह की नहीं अलाउ, फॉरेक्स की ट्रेडिंग नहीं अलाउ। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को इलीगल ना समझें, इलीगल ये वो काम है अगर उसे कोई इलीगल काम किया जाता है। अपनी जीमेल आईडी दोबारा बताओ भाई, waqarzaka86@gmail.com। और मैं बताऊँ, मैंने आज तक फर्स्ट क्लास में जो ट्रैवल किया है, जो मैं आज दुनिया भर ट्रैवल करता हूँ, मैंने कैसे किया, 2012 में 2012 में 500 बिटकॉइन मुझे मिले थे बिटलैंडर एक साइट में, 500 बिटकॉइन 500 बिटकॉइन लिए थे, जब वो था एक बिटकॉइन $7 बिल्कुल सही है ईमेल एड्रेस, $7 का था, और $7 का जब बिटकॉइन वहाँ पर था तो उस वक्त 500 बिटकॉइन लिए तो वो थे 317,000 रुपये के, 317,000 के 500, ठीक है, ये बात समझ आई। उसके बाद जब 2012 में लिए तो 2014 में वो एक बिटकॉइन इक्वल हो गया $600 का, जब $600 का हो गया तो सोचें 317,000 रुपये जो लगाए थे वो बन गए 2-2.5 करोड़ रुपया। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में समझ ही नहीं पा रही, आप उल्टे सीधे स्कैम में घुस जाते हैं, यहाँ पर आप समझ ही नहीं पा रहे होते। तो उससे मेरे जो जितने पैसे बने, जो टीवी शोज छोड़कर मैं ये इतना ट्रैवल करता हूँ, ये पैसा कैसे आता है मेरे पास, दिस बिटकॉइन, बिटकॉइन का प्रॉफिट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी ट्रैवलिंग है। एक एक महीने लंदन में रहना कोई आसान बात है आपके ख्याल में, जब मैं काम क्या करता हूँ, मैं हूँ क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट, मैं यहाँ पर ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हूँ, मैं ब्लॉकचेन पे काम करता हूँ, मैं ब्लॉकचेन और ज़्यादा सीख रहा हूँ, ब्लॉकचेन समझ लें नेक्स्ट इंटरनेट है, और उसको भी किसी दिन बैठ के समझाऊंगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि लंदन में इतने अरसे के बाद फाइनली एक सोल्यूशन मेरा हो गया, मेरा काम ये हो गया। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के माइनर्स लगाए हुए, लेकिन कोई बताता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता, कोई किसी को समझाते नहीं। पाकिस्तान में पता कहते हैं, अबे यार मैं पैसे कमा रहा हूँ, दूसरे को क्यों बताऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको ये टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ, जितना शेयर कर सकते हैं। अरे क्रिप्टो करेंसी के बारे में किसी ने आज तक कोई टेक्नोलॉजी समझाई आपको? आप सिर्फ जाके लिखें बिटकॉइन माइनिंग तो आपके पास डिटेल आ जाएगी सारी। सबसे बेहतरीन तरीका ये, गूगल पे जाओ और अभी लिखो बिटकॉइन टू PKR, कितने का चल रहा है एक बिटकॉइन, कितने का चल रहा है जाके देखें, बिटकॉइन टू PKR जरा आप लिखें तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहा हूँ, जो जो ईमेल करेगा मुझे अपना नंबर, नाम और साथ अपना सिटी और एरिया लिखकर भेजना है आपने, waqarzaka86@gmail.com। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ जहाँ मैं भी हूँ, वहाँ जिसने जो खरीदना है वो बताता जाए, हम लेते जाएंगे। और फिर आपको बता रहा हूँ SBP, पाकिस्तान में जो एक चक्कर है ना कि शायद ये इलीगल है, इलीगल है ऑनलाइन ट्रेडिंग, किसी किस्म की भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो भी इलीगल है, तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप ऑनलाइन। तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग की जो भी वेबसाइट्स हैं उनको जरा गड़बड़ होती है, क्रिप्टो करेंसी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पता डिजिटल करेंसी का क्या फायदा है, आपके मोबाइल में करेंसी होगी, ये बैंकों ने जो हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ ना इतने अरसे से, वो तमाम काम जो है खत्म हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें आ रही है बैंक को ख़त्म करने के लिए। अब इसको साइंस समझे, पोस्ट ऑफिस था ना पहले, तो पोस्ट मैन लेके जाता था खत, हाँ ले ले ले, अच्छा हाँ नहीं नहीं, तो बेसिकली चक्कर क्या है कि पोस्ट ऑफिस जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, उससे पहले खत लेके जाते थे और एक टाइमिंग होती थी कि सुबह 8 से लेके भाई रात 8 तक अगर आपने खत दे दिया या पार्सल दे दिया तो हम डिलीवर करेंगे, वरना हम डिलीवर नहीं करेंगे, यही होता था। उसके बाद आ गई ईमेल, आप सुबह करें शाम करें किसी टाइम भी करें, आपको किसी जगह जाके देना नहीं है। पोस्ट ऑफिस वाले फिर ये कहना शुरू कर दें, अगर यार ये जो ईमेल है ना, ईमेल यार ये ईमेल वाला जो है ना, मतलब ये ईमेल सही नहीं है, ईमेल इलीगल है, वो तो बोलेंगे क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम ईमेल ने खत्म कर दिया। अब आप मुझे वेलकम बैक एवरीवन, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें जैसे पोस्ट ऑफिस था उसी तरह आ गया फिर ईमेल, इसी तरह पैसे जो होते हैं बैंक वाले हमें बेवकूफ बनाते हैं। बैंक वाले हमसे 1,00,000 रुपया लेते हैं और कहते हैं ये ATM है भाई, ATM की लिमिट है 50,000, यानी हमारे ही पैसे डेबिट के ऊपर लिमिट है। भाई ATM से तो 1,00,000 पूरे में निकाल लूं एक दिन में, भाई क्रेडिट कार्ड तो नहीं ले रहा ना मैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने अगर आपसे 1,00,000 रुपया बैंक में रखवाया है तो आप मुझे 1,00,000 रुपया ATM से मैं जब चाहे निकाल लूँ। मेरा 1,00,000 रुपया पूरा रखा, इतने सारे रेफरेंस यूज किए, पहले इसका रेफरेंस, उसका रेफरेंस, फलाने का रेफरेंस, फिर जाके बैंक अकाउंट खुलता है, ठीक है। उसके बाद जाके वो कहते हैं नहीं जी अब आप पे लिमिट है, फिर बैंक एक और हमें गड़बड़ करता है। बैंक हमें क्या देता है, बैंक हमें एक टेम्पटेशन देता है, बैंक कहता है यार क्रेडिट कार्ड आप लेंगे, आप कहते हैं यार क्रेडिट कार्ड
ले लेता हूँ मैं, क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड से क्या मसला है? वो कहते हैं 2 लाख की लिमिट है। दुनिया का सत्यानाश किया है क्रेडिट कार्ड ने, जो पैसा मेरी जेब में नहीं है, ठीक है, जो पैसा मेरी जेब में नहीं है वो पैसा मुझे खर्च करने के लिए मुझे एक उन्होंने ख्वाहिश जगा दी, टेम्पटेशन दे दी। अब देखें मेरी जेब में अगर पैसे नहीं है और मैंने जाके खर्च किया और मैं सोच रहा हूँ कल पैसे आ जाएंगे तो मैं बैंक को दे दूंगा, जरा भाई सोचो कल अगर पैसे नहीं आए तो बैंक को नहीं दोगे तो आप तो बैंक करप्ट हो जाओगे ना। रिसेशन 2008 में इसीलिए आया क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज उसके साथ साथ प्रॉपर्टी में दबा के पैसा लगा दिया गया और उधार लिया गया, उधार जब वापस नहीं कर सके तो आपका सत्यानाश हो गया। तो जिंदगी में मैंने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं रखा, कभी क्रेडिट कार्ड नहीं रखो, ये वो मनहूस चीज है क्रेडिट कार्ड जिसकी वजह से घर तबाह होते हैं। ये क्रेडिट कार्ड वो मनहूस चीज है जो हमारे अंदर ख्वाहिशात जगाती है कि पैसा नहीं है लेकिन खर्च करो कल आ जाएगा दे देंगे। भाई वो पैसा ही क्यों खर्च करना जो आपकी जेब में है ही नहीं, मतलब अभी है ही नहीं, मैं डेबिट किया। और आप फिर बैंक किसी बैंक से ये पूछें जब 3-4 लाख रुपया 3-4 करोड़ रुपया अगर आपका पड़ा है बैंक में, ठीक है, आप कहते हैं मैं सारा निकाल रहा हूँ, बैंक वाले कहते क्यों निकाल रहे हैं, तो भाई मेरा पैसा मैं जब मर्जी निकालूं, आप क्या बात कर रहे हैं मुझसे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसको कहते हैं ब्लॉक चेन, ये याद रखिए ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी 2008 में इंट्रोड्यूस की गई। उसकी वजह से अब क्या होता है कि मोबाइल टू मोबाइल पैसे भेज सकते हैं, जैसे आप ईमेल भेजते हैं और आपको पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ता, समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को, ठीक है, दुआएं देंगे कल आपको कि भाई किसी ने पाकिस्तान में ये चीज समझाई, मुझसे ज्यादा नॉलेज है लोगों को लेकिन छुपा के काम कर रहे हैं, कोई दिखा नहीं रहा कि ताकि पाकिस्तान में और कोई ना कमा ले। तो अब क्या होता है कि मैंने अगर दुनिया में कहीं भी पैसे भेजने हैं, रेमिटेंस अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजने मुझे, ठीक है, बिल्कुल बिलाल भाई नाउ हैंड टू माउथ ड्यू टू क्रेडिट कार्ड, लानत भेजता हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी पे क्रेडिट कार्ड की जो हमारी कौम को भूखा नंगा कर रही है, जो हमारी कौम को ये चीज़ सिखा रही होती है। फाइनली अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे 2012 से जो मेहनत थी उसके बाद अब माइनिंग मशीन मैंने अपनी यहाँ पर एक फॉर्म लगा लिया है लंदन में के अंदर, ये माइनिंग मशीन जो सारी लग गई हैं अब जिसने जो भी, मतलब ये एक मशीन फिर बता रहा हूँ आपको, 3.5 लाख की एक मशीन है यूके में जिसने लगानी है, मुझे बताया आपके पास बंदे भेज दूंगा लगा देंगे, 3.5 लाख की एक मशीन ये $600 महीने के बना के देगी, यू प्लग करो बस आता रहेगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है और ये पैसे कैसे रहे। ये मशीनें जो हैं ये उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है कि अगर मैंने पैसे भेजने हैं किसी राशिद को या किसी अमजद को दुनिया में कहीं भी किसी भी टाइम, ये तो नहीं करूंगा वेस्टर्न यूनियन का वेट करूं या रात के 2 बजे भेजने पैसे अब कैसे भेजूं। तो मेरे दोस्तों अगर मैंने भेजने हैं तो उसके लिए जो मशीनें लगी हुई होती है ना, ये लोगों ने घरों में लगाई हुई है दुनिया भर में, और एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो आपको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, बैंक की जरूरत नहीं आपको, हमें बैंक की जरूरत है, हमें बैंक की जरूरत नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ भाई, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पता होगी लेकिन उन्हें इंट्रोड्यूस कोई नहीं कर रहा, तो मैंने पहली दफ़ा की है, मैं बता रहा हूँ। इसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर देना ट्विटर पर जाकर कि वकार ज़का मेरी अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं, वरना आप सिर्फ मेरी जो सेक्सुअल टॉक होती है उसको हर जगह फैला रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया मेरी जिंदगी भर में ट्रैवलिंग आज तक सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इसकी वजह से हुई है, अब तो खैर खत्म हो गए तो दोबारा ज़रा मेहनत करनी पड़ रही है, सब कुछ मैंने इधर उधर लगा दिया। और आपको पता ये बिटकॉइन ही है जिसकी वजह से सीरिया में मेरा बहुत काम आसान होता रहा। सीरिया में यकीन मानिए डोनेशन तो 10-12 लाख जमा होती है लेकिन जब अंदर घुसना होता है तो $4,000-3,000 देने पड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा जो एजेंट होता है। अलेपो में घुसने के लिए कितने कितने पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ पैसे मेरे पास आते कहाँ से थे, आप तो 10-12 लाख डोनेशन देते हैं, जब अंदर घुसता हूँ सीरिया के तो अंदर जाने के बाद जो लोगों को निकाल के अलेपो से टर्की में लाना होता है एक एक बंदे के मुझे $2,000-3,000 देने पड़ते हैं, समझ रहे आप मेरी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये कि भाई अगर मैंने पैसे कमाए हैं तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरे अब्बू की कंपनी थोड़ी है कि अगर आप बिटकॉइन खरीदेंगे तो मुझे फायदा होगा। भाई बिटकॉइन जब तक है जैसे है वैसे ही जो है है जैसे इंटरनेट है, दुनिया में कहीं भी आपने पैसे भेजने 2 मिनट में जाते हैं, आपने कोई चीज़ खरीदनी है बिटकॉइन से 2 मिनट में आप खरीद सकते हैं। बैंक में पैसा पड़े पड़े आज खुदा ना खास्ता मुल्क के हालात खराब हो जाए, मुल्क में कोई गड़बड़ हो जाए तो बैंक का पैसा तो गया भाई, और जो बैंक में पैसा पड़ा है वो तो हर रोज डीवैल्यू हो रहा है। लेकिन डिजिटल करेंसी इथेरियम बिटकॉइन या जो भी ये मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है, मोबाइल है तो फिर आपके पास रहेगा, दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं कुछ भी कर लें आपको बैंक से पैसे नहीं निकालने पड़ते। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जाके बिटकॉइन की जरा चेक करें ना, और थोड़ी दुआएं दे दिया करें, थोड़े वहां पर जाके पोस्ट कर दिया करें यार वकार ज़का हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कोई नहीं दे रहा, अगर वकार ज़का टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा रहा है तो यार आप लोग मुझे कंदील बलोच और मीरा से मिलाते हैं, उनके उनके दिमाग में इतनी चीजें थी, मतलब ऐसी चीज होती है। मैं जो टेक्नोलॉजी आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरे सालों की मेहनत है, मैं छुपा के भी पैसे कमा सकता हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ आपके ख्याल में। तो बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ मोबाइल में आपके पैसा है, आपको मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो फिर क्या होगा, कोई खोल नहीं सकता, जैसे कोड लगा हुआ होता है आपका मोबाइल इरेज हो जाएगा, आप दोबारा वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, एक वॉलेट चाहिए होता है आपको, ठीक है, और वो वॉलेट में आप रखते हैं वो मोबाइल आपका, आपका मोबाइल आपका बैंक है। साकिब अहमद कह रहे हैं अच्छा जी, और इसके अलावा जितने लोग भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जितने लोग भी इसके बारे में समझना चाहते हैं, देखिए मेरी खुशी थी मैंने आपसे शेयर की है ये।
पाकिस्तान में लगाने की कोशिश की, टेक्नो सिटी में यही कार्ड इतना महंगा मिल रहा है कि सत्यानाश हो जाए आपका। जितने लोग आईटी या कंप्यूटर से हार्डवेयर से रिलेटेड है इतने इतने महंगे लग रहे हैं कि आपकी सोच है बिल्कुल। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसने भी कोई भी कॉइन खरीदना है वो waqarzaka86@gmail.com पर ईमेल कर सकता है। मेरे पास बिल्कुल जहां पर सेटअप है हर चीज अवेलेबल है, यूके में सारा सेटअप कर दिया गया है। जितने लोग देख रहे हैं अपने कोई भी कॉइन लेना है, जब आप कॉइन खरीदने के लिए ईमेल करेंगे आपको एक रुपए की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप व्हाट्सएप देंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करूंगा, जो सवाल करेंगे आपका क्लियर होगा, पूरी ट्यूशन आपको दे दी जाएगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो जितने लोग देख रहे हैं इस ट्रांसमिशन को इतना शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे तक जाए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये सेटअप यहाँ हो गया। जितने लोग पूछते हैं ना भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से। फिर बता रहा हूँ 2012 में आपको याद होगा मैंने वीडियो पोस्ट की थी बिट लैंडर्स की, 500 बिटकॉइंस उन्होंने से मुझे मिले थे एक और प्रमोशन से। उस वक्त $60 का एक बिटकॉइन था, पाकिस्तान में ₹90 का एक डॉलर था, तो 3,17,000 3 लाख के बन गए। वही बिटकॉइन जो $60 का था 2012 में वो 2014 में हो गया $600 का। अभी भी वक्त है, नहीं समझ आ रही तो बताएं। अविनाश कह रहे हैं 3 लाख की मशीन पर 500 मतलब जी बिल्कुल 69,000 आएगा। चलिए थैंक यू सो मच देखने के लिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे। जिसने भी लेना है waqarzaka86@gmail.com।